हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं झटके मशीन के वायरिंग के बारे में, वायरिंग झटके मशीन की कैसे की जाती है, तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं, ये झटका वाला ट्रांसफार्मर है, इनके जो बीच वाला ये वायर होता है, तो जो ये मॉस्फेट लगे हुए होते हैं जेड चमड़े, इनसे संबंध होता है। ये बीच यहाँ पर बीच वाले जो बीच वाला ये वायर यहाँ पर इस बीच में ही लगता है। यहाँ पे ये कनेक्टर दिया हुआ है, बीच वाले कनेक्टर पे ये बीच वाला दो तार होते हैं, वो ऐसे चिल्ला निकाल कर लगते हैं। और जो साइड साइड के वायर होते हैं, ये साइड में ऐसे ऐसे लगाना होता है। तो दोस्तों, ये पीसीबी है ना, अलग तरह की पीसीबी अब नई मार्केट में आई है, सस्ती। इनके अभी वायरिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये होता माइनस, ये प्लस, ये सायरन होता है आपका, ये सायरन, साइन का लाल वाला वायर प्लस पे होता है और ये माइनस पे। और फिर दोस्तों, ये कनेक्टर होता है, इसमें यहाँ से घूम के आता है, तो साइरन बजने के लिए यहाँ से घूम के करंट आता है, इसको अर्थ होता है। ये झटके वाला, जो झटके का वाला ये वायर होता है, इसमें लाल वायर दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर कभी कोई कोई ट्रांसफार्मर में काला तार भी होता है, ये अर्थ का होता है। ये माइनस और ये ऊपर वाला प्लस, ये वाला प्लस इसको सीधा लगता है। जो प्लस वाला वायर होता है, जो बाहर टर्न दिए हुए होते हैं, टर्न स्टार्ट में ये वायर होता है और बाद में ये होता है। तो दोस्तों, ये होता है आपका प्लस, ये वाला। यहाँ पर किसी ट्रांसफार्मर में काला वायर भी होता है, तो यहाँ से घूम के वापस नीचे वाले इस सॉकेट पे यहाँ पर लगता है। जो झटके वाला ज़मीन में अर्थ होता है ये वायर, और ये वायर करंट का होता है, झटके का। तो दोस्तों, फिर ये चार्जिंग वाला ट्रांसफार्मर है, ये 0.12 AMP ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसमें ये लाल वाले वायर होते हैं, जो ये प्राइमरी के वायर होते हैं ट्रांसफार्मर की, जो 220 वोल्ट पर जाता है, इस सॉकेट पर लगते हैं। यहाँ 220 वोल्ट पर होते हैं लाइट का, और ये वाला वायर आउटपुट होता है दोस्तों। ये 9 वोल्ट निकालता है, सॉरी दोस्तों, ये 12 वोल्ट निकालता है, 0.12 ट्रांसफार्मर है, 1.5 एम्पीयर। और यह डायोड, ये एसी करंट निकालता है, फिर ये डायोड कन्वर्ट करता है डीसी में, डीसी कन्वर्ट करता है। यह यहाँ पर ये वायर इस कनेक्टर में यहाँ पर लगाना होता है ये वायर। और ये सॉकेट होती है, ये जिक होती है दोस्तों, ये चार्जिंग होने पर यहाँ पर इंडिकेटर शो करता है, इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर है, वो झटका आने पर ये शो करता है। और दोस्तों, ये वायर है जो आपसे सोलर से आप चला सकते हैं, सोलर पैनल के हैं, सोलर पैनल से भी आप चला सकते हैं। ये लाल वाला वायर होता है प्लस, और ये माइनस होता है काला वाला। और दोस्तों, ये एलईडी है, जो झटका मशीन स्टार्ट होने पर ये शो करती है, बीच वाली ये चिक दी हुई है। और दोस्तों, ये होता है बैटरी के तार, जो लाल वाला वायर है, जो बैटरी के यहाँ पर लगते हैं प्लस पे, और ये काला वाला बैटरी माइनस पे लगते हैं। और ये वायर है दोस्तों, बीच वाले कनेक्टर की, ये 3 कनेक्टर है, ये तो हो गया आपका माइनस बैटरी, ये प्लस, और ये स्विच होता है ऑन ऑफ स्विच। इनका वायर एक वायर है, इनमें से 2 वायर होते निकलते हैं स्विच में से, कोई भी एक वायर एक लाल में जोड़ना होता है शामिल, और ये बीच में एक लगाना होता है एक वायर स्विच का। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल मशीन है, इसकी वायरिंग में बहुत ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती करने में। तो दोस्तों, हम वायरिंग के बारे में बता दिया है, और फिर आज में झटका कभी कम होता है, झटका आपका आ नहीं रहता है, मॉस्फेट ख़राब होते हैं, मॉस्फेट आने से झटका फिर स्टार्ट हो जाता है, तो झटके वाला वायर नीचे पड़ने से यह मॉस्फेट ख़राब होता है। और ये मॉस्फेट कभी कभी ख़राब होता है, तो ये आईसी भी ख़राब हो सकती है दोस्तों। CD4047 ये नंबर है इनके, इनमें 2 फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, और साइरन के बारे में फॉल्ट होता है कोई, तो दोस्तों ये आईसी होती है 555, ये टाइमर आईसी होती है, ये ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।